हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे नेचर ऑफ कार्गो। ठीक है, तो नेचर ऑफ कार्गो में हम कार्गो को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंटेनराइज एंड पैकेजेस। तो हमने देखा होगा कि जब हम कोई चेकलिस्ट अप्रूव करते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन होता है नेचर ऑफ कार्गो, तो वहां पे लिखा रहता है सी, कभी लिखा था पी। तो उसका यही मतलब होता है कि सी का मतलब होता है कंटेनराइज और पी का मतलब होता है पैकेजेस। तो आपको पता होगा कि कंटेनराइज जो कार्गो होता है वो बाई सी हम एक्सपोर्ट करते हैं, और जो पैकेजेस होते हैं वो एलसीएल शिपमेंट में या एयर के केस में हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो मोस्टली पैकेजेस हम एयर में करते हैं, जब हम चाहते हैं कि हमारे शिपमेंट में कम चार्जेस लगे तो हम फिर ये एलसीएल शिपमेंट करते हैं बाई सी। ठीक है, तो ये प्रोसीजर चलता कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हमें जैसे कोई गुड्स को एक्सपोर्ट करना है तो हम अपनी इनवॉइस बनाएंगे। ठीक है, और जो हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में जो हमारे इम्पोर्टर है उसके अकॉर्डिंग हमारे गुड्स की पैकिंग करेंगे। ठीक है, और हम अपने गुड्स का वॉल्यूम देखेंगे कि ये क्या पैकेजिंग में ठीक रहेगा या कंटेनराइज में ठीक रहेगा। ठीक है, तो जो कंटेनराइज है तो हम कंटेनराइज के अकॉर्डिंग उसकी पैकिंग करवाएंगे, और पैकेजेस में है बाई एयर और बाई एलसीएल तो वो पैकेज में करवाएंगे। तो ये डिपेंड करता है आपका कि शिपमेंट का मोड क्या है। समटाइम हम बाई बाई रोड भी शिपमेंट अगर जा रही है आपकी तो ये बॉक्स में पैक करके भेज देते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग इसकी होती कहाँ से? स्टार्टिंग होती है कि आपका कार्गो का वॉल्यूम है कितना, छोटा है या बड़ा है, या फिर डिपेंड करता है कि आपका कार्गो आपको कितने इमीडिएट पहुंचाना है। अगर छोटा कार्गो है या थोड़ा बड़ा भी कार्गो है तो हम इमीडिएट अगर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो हम बाय एयर चूज करेंगे, क्योंकि वहाँ पे अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। तो ठीक है, तो वो शॉर्ट टाइम में वहाँ पे डिलीवर हो जाएगा। इन केस ऑफ सी की बात करें कंटेनराइज की, तो इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि शिपमेंट जो आपकी जो शिप है वो बाय सी जाएगी तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे टाइम, अगर टाइम की अगर बात करें तो कस्टम क्लियरेंस का चार टाइम लगेगा, उसके बाद रेल रेल आउट होगा, उसके बाद जो आपकी शिपमेंट है वो शिप के ऊपर लोड होगी। तो वहां पे क्या होता है कि शिपमेंट जो शिप है आपकी उस पर जितने भी रिक्वायरमेंट है वो वेट करती है कि उतना कार्गो उस पे हो जाए तभी वहां से बढ़ती है। तो उसका शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही वहां से वो शिप वहां से सेल होती है। ठीक है, सो गाइस, आज के सेशन में हमने जाने की कोशिश की कि नेचर ऑफ कार्गो होता क्या है, और उसके वुडन बॉक्स और कंटेनराइज कार्गो ये किस किस कंडीशन में हम यूज कर सकते। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, है हैव ए नाइस डे।